हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा शॉपर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है एक और अपना इंस्पायर्ड मेकअप लुक, और बहुत ही खूबसूरत मेकअप है और मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया। तमिल टाइटल से आप समझ गए हैं, मैं आज करने वाली हूँ शहनाज गिल का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच हो पाया है, इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो मेकअप, तो मैंने कर लिया और करने में बहुत मज़ा भी आया जैसा कि मैंने बोला, और बहुत इंस्टेंट भी हो गया, बहुत बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा। इतना अच्छा, इतना ग्लोई टूई सा मेकअप था ना, एंड इवन वो उसमें बहुत खूबसूरत भी लग रही थी, तो जितना हो सका मैंने सिमिलर करने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे मेरा ये वाला लुक, इंस्पायर्ड मेकअप लुक, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इवन अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो कोई भी पोस्ट करूँ। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और यहाँ बेस मेकअप ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, और आईब्रोज़ को फिल नहीं किया तो पूरा मेकअप ही बेकार लगता है, तो आईब्रोज़ को फिल करना भी बहुत ज़रूरी है। और आई मेकअप जो था बहुत न्यूड वाला मेकअप था, तो सिर्फ ट्रांजिशन से देन शेड एंड उसके बाद मैंने क्रीज शेड लिया था, एक काइंड ऑफ ऑरेंजेस सा था उस तरीके का। और बहुत ये भी बहुत आई मेकअप तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, इवन दो आईज जो थी ना वो लाइनर तो था हल्का सा, बट काजल की जगह मुझे ऐसा लग रहा था कुछ न्यूड ग्रेइश कलर होता ना, तो मैंने आईब्रो पेंसिल ही यूज़ की थी बिकॉज मेरे आईब्रो पेंसिल का कलर ग्रे था, तो वो उससे थोड़ा ग्रे ग्रे लुक आ गया था। एंड कोई लैशेस नहीं थी, तो सिर्फ मैंने मस्कारा यूज़ किया है एंड द ब्रॉन्जर। ब्राउन्जर इसलिए बिकॉज मैं मोटी हूँ और वो इतनी मोटी नहीं है। एंड ब्लश लगा रही हूँ, यहाँ ब्लश भी बहुत खूबसूरत लग रहा था लगाने के बाद, कैमरे में इतना प्रॉपर दिखता नहीं है बट मेकअप इतना ग्लो डूई सा है, तो हाइलाइटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कोशिश मैंने ज़्यादा की है हाइलाइटर से क्योंकि मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। एंड लिपस्टिक के लिए एक सिमिलर सा शेड मैंने यूज़ किया है, एंड इसके बाद लिपस्टिक का सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट आता है ना, वो ग्लॉसी बनाने वाला, तो यहाँ मैं ग्लॉस ऐड कर रही हूँ लिप्स पे, और पूरे मेकअप की मतलब मेकअप में जान डाल दी इस ग्लॉस ने, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड आप लोगों को अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा। इवन और कोई अगर इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार दीजिए, और इस तरह से मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी।